हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी की आंसर की पर बात करेंगे। इसको लेकर कल एचएसएससी के चेयरमैन ने बताया है कि अब एनटीए ग्रुप डी एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर जांच करेगा कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, या फिर इसके ऑप्शंस को देखेगा, उसके बाद में ही आंसर की जारी की जाएगी। इसके अलावा फर्जी पेपर देने वालों पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसको लेकर डिटेल से आज के न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि सीईटी पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी 3 साल सभी परीक्षा से होंगे बाहर। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने पुलिस से मांगी एफआईआर की कॉपी। ग्रुप डी के लिए हुए सीईटी में जिन परीक्षार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन 34 परीक्षार्थियों पर हुई एफआईआर की कॉपी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस से मांगी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब इन आरोपियों पर कार्रवाई करेगा। ये 3 साल तक किसी परीक्षा में हिस्सा नहीं दे पाएंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अभी पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी गई है, जिसमें इनके नाम व पते शामिल होंगे। अब ये अगले 3 साल तक आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दूसरी ओर ग्रुप डी के लिए हुए सीईटी की आंसर की जारी होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। आयोग के चेयरमैन के अनुसार अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक्सपर्ट खुद ही सवालों की जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कोई सवाल गलत तो नहीं था। इसके बाद ही एनटीए की ओर से आंसर की जारी होगी। काबिले गौर है कि ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा 2 दिन की 4 शिफ्टों में आयोजित की गई, जिसमें 8,54,561 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी।